बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी टू टाइप की क्रोशे बटरफ्लाई। इन बटरफ्लाइज़ को आप डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लेफ़्ट ओवर यार्न से बनाई हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सीज़र की ज़रूरत है और क्रोशे हुक की। मैं 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ दोनों बटरफ्लाई बनाने के लिए। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को ये वाली बटरफ्लाई बनाने सिखाऊंगी। इसके लिए हम लोग मैजिक सर्कल बनाएंगे यार्न को फिंगर पे रैप करते हुए क्रोशे हुक की मदद से। और मैजिक सर्कल के ऊपर चेन 3 बनाकर अपना फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। यार्न को 2 टाइम्स रैप करके ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। पहले 2 लूप्स के अंदर से गुजारते हुए, फिर 2 लूप्स के अंदर से गुजारते हुए और अगेन 2 लूप्स के अंदर से गुजारते हुए हमने 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। ये मैं सेकंड ट्रिपल क्रोशे बना रही हूँ एंड ये 3rd ट्रिपल क्रोशे बना रही हूँ। थ्री ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद अगेन 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद मैजिक सर्कल के अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने से हमारा फर्स्ट फीदर रेडी हो जाएगा बड़े वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे। इसके लिए हम चेन 2 बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3। तो ये हमारा बटरफ्लाई का डाउन फीदर बन जाएगा। चेन 2 करके मैजिक सर्कल के अंदर स्लिप स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे और अगेन दूसरी साइड का फीदर बनाएंगे। इसी तरीके से चेन 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे 3 टाइम्स। डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2 एंड डबल क्रोशे 3। और 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन 2 बनाएंगे और मैजिक सर्कल के अंदर स्लिप स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट फीदर बनाएंगे बड़े वाला। अगेन फर्स्ट फीदर की तरह चेन 3 करेंगे और 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे 1, ट्रिपल क्रोशे 2 एंड ट्रिपल क्रोशे 3। 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद अगेन चेन 2 3 बनाएंगे और चेन 3 बनाने के बाद स्लिप स्टिच कर लेंगे। और मैजिक सर्कल के यार्न टेल को पुल करके बंद कर लेंगे, टाइट कर लेंगे और दूसरे यार्न को भी पुल करते हुए एक्स्ट्रा यार्न को रिमूव कर लेंगे कट करके। ये मैंने यार्न को कट कर लिया है। इसके बाद मैं इस यार्न को बटरफ्लाई की बैक साइड पे लेके आऊँगी और मैजिक सर्कल के यार्न को और इस यार्न को दोनों को आपस में टाइटली नॉट कर लूँगी 2 टाइम्स। नॉट करने के बाद मैं एक्स्ट्रा यार्न को रिमूव कर दूँगी। अगर आप लोग इसे किसी प्रोजेक्ट पे लगाना चाहते हैं तो इस यार्न को रिमूव मत करें। अब मैं वाइट यार्न को डबल करूंगी और डबल करने के बाद कट कर लूंगी। अब इस यार्न को हम बटरफ्लाई के सेंटर में चेन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमने बैक साइड पे रख के यार्न को क्रोशे हुक के अंदर से गुजार के मैजिक सर्कल के सेंटर के अंदर से यार्न को पुल करते हुए चेन बनानी है और अगेन नेक्स्ट चेन बनानी है इसी तरीके से एंड 3rd चेन बना के यार्न को रिमूव कर देना है ताकि हमारा जो वर्क है वो सिक्योर रहे। इसके बाद हम यहाँ पे नॉट बनाएंगे।
आप चाहें तो सिंगल नॉट भी बना सकते हैं, मैं डबल नॉट बना रही हूँ। और नॉट बनाने के बाद नॉट के करीब से यार्न को कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे यार्न के भी नॉट बनानी है। तो फ्रेंड्स, मेरी दोनों बटरफ्लाई रेडी हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होंगी। अब मैं आप लोगों को टू कलर बटरफ्लाई बनाना सिखाऊंगी। इस बटरफ्लाई को बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्लिप नॉट बनाएंगे। और स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन थ्री बनाएंगे। और फर्स्ट चेन जो है हमारी हुक से, इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। और डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन वन बना के अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 10 10 टाइम्स सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम अपने सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम बैक साइड के यार्न को कट कर लेंगे। दूसरे कलर के यार्न से हम स्लिप स्टिच करेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो राउंड है हमारा फीदर्स वाला राउंड, उसे हमने दूसरे कलर के यार्न से बनाना है। उसके लिए जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच है, उसकी फ्रंट टू लूप्स के अंदर से गुजारते हुए स्लिप स्टिच बनाएंगे और बैक साइड के यार्न को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम अपनी फर्स्ट फिदर स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम लोग चेन थ्री बनाएंगे। और चेन थ्री बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं, 2 टाइम्स इन द सेम स्टिच। हमारी जो वेरी फर्स्ट स्टिच है, जिसमें हमने स्लिप स्टिच बनाई थी, इसी स्टिच के अंदर हमने 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। और 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है, इसके अंदर अगेन हमने ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं, 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे, 1 एंड ट्रिपल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। और ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद अगेन चेन थ्री बनानी है। और चेन थ्री बनाने के बाद इसी स्टिच के अंदर, जिसमें हमने 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे बनाया है, सिंगल क्रोशे बना के राउंड को फिनिश कर लेना है। नेक्स्ट फिदर को स्टार्ट करने के लिए चेन टू बनाएंगे, क्योंकि हमारी डाउन फिदर जो है वो छोटी होती है। और डबल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम्स उससे नेक्स्ट स्टिच में। और 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने के बाद अगेन उससे नेक्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। और 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन टू बनाएंगे। और इस दफ़ा हम नेक्स्ट जो हमारी स्टिच है, उस स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे वाली चेन में नहीं बनाएंगे। और बैक साइड का जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको कट कर लें। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए अगेन चेन टू बनाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारी चेन स्पेस है, इसके अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट चेन टू के अंदर भी हमने डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन टू बनानी है। और इसी सेम स्टिच में, जिसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, उसमें सिंगल क्रोशे बना के फिनिश कर लेना है। अब नेक्स्ट फिदर के लिए अगेन चेन थ्री बनानी है और ट्रिपल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट स्टिच में, 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे, 1 एंड ट्रिपल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। अगेन नेक्स्ट स्टिच के अंदर टू टू ट्रिपल
ट्रिपल क्रोशे बनेंगे, ट्रिपल क्रोशे वन एंड ट्रिपल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच, और टू ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद अगेन चेन थ्री बनाएंगे और इसी स्टिच के अंदर जिसमें हमने टू ट्रिपल क्रोशे बनाए थे सिंगल क्रोशे बनाते हुए अपने राउंड को फिनिश कर लेंगे। यार्न को पुल करके एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे और कट करने के बाद अपने वर्क को सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा यार्न को बैक साइड की कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारेंगे स्मॉलर साइज़ क्रोशे हुक की मदद से या फिर यार्न नीडल की मदद से। इस तरीके से आपने हुक की मदद से यार्न को पुल करते हुए कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारना है। और चंद स्टिचेस के अंदर से गुजार लेना है ताकि आप लोगों का जो वर्क है वो सिक्योर रहे। और कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारने के बाद हम एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे तो हमारा बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बटरफ्लाई पसंद आए होंगे। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।